हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूं आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो एग्ज़ाम डेट है आपका 28 अक्टूबर और आपका 29 अक्टूबर डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी डेट आ गई है, तो इस डेट पे आपकी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपके लिए लगातार आपकी प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है जीएस की और करंट अफेयर की। इसके अलावा बता दें तो आपको ट्रिक भी मिल रही है, जिससे आपको अगर कुछ याद नहीं होता है तो आप उसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि ये सब मिलेगा कहाँ पे, तो आप जाए, ये प्लेलिस्ट बन गई है, तो प्लेलिस्ट में आप देखिएंगे तो एक ट्रिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, दूसरी आपकी जीएस की जो है प्लेलिस्ट बन गई है, और तीसरी आपकी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इन तीनों प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। बाकी उसमें और भी प्लेलिस्ट है, हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस में तो आपकी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में जीएस और करंट अफेयर की चलाई जा रही है, तो दो क्लासें आपकी हो रही है डेली, और कम से कम समय में आपको 50 क्वेश्चन जो है करवाने की कोशिश की जाती है। तो कुल मिला के आपका 15 से 20 मिनट के अंदर में ही आपकी 50 क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं। इतनी फास्ट प्रैक्टिस, मुझे पता है कि हाँ क्या नाम है, आपका टाइम कम है, प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से आपको 20 मिनट के अंदर ही आपका उससे पहले ही 50 क्वेश्चन करवा दी जाती है, ताकि आपकी जो है आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें। और आप डेली जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो है आपको कितने इम्प्रूवमेंट आपकी हुई है, क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट को देखें, वहाँ से सारी क्लासेस ख़त्म करें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ये है आपकी देवनागरी लिपि, देवनागरी। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका पंजाबी है, पंजाबी की जो लिपि है कौन सी है? तो वो आपकी है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, गुरुमुखी लिपि, इस बात को याद रखिएगा, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो उसे हम दुग्ध मेघला के नाम से भी जानते हैं, मिल्की वे जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में रहती है, उसका नाम है क्या? दुग्ध मेघला या मिल्की वे। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये उदंत मार्तंड था, इस बात को याद रखिएगा, हिंदी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी बोली में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपका एथेंस, यूनान में पड़ता है, और ये 1896 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, 1896 मुझे याद रहा, तो यहाँ पे 1800 मुझे इसी के आसपास 1897 याद आ रहा है। क्या इस डेट में कुछ किसी चीज़ की स्थापना हुई थी? तो हुई थी तो ज़रा हमको बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा। तो हम बता दें कि विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 8 बार स्वर्ण पदक किसमें जीता है? हॉकी में। किसमें? हॉकी में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ पर और कब जीता था? तो ये जीता था 1980 में मास्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये होता है आपका 4 वर्षों के बाद। अच्छा, तो हमने पूछा था आपका कि जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपके विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1893 ईस्वी में, सॉरी 1897 ईस्वी में। अच्छा, 1897 ईस्वी में तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वो कहाँ पर गए थे भाषण देने? 1893 ईस्वी में शिलोंग में, वो क्या नाम है आपका, शिकागो, शिकागो के सम्मेलन में आप उन्होंने क्या दिया था, भाषण दिया था। ठीक है, शिकागो गए थे 1893 ईस्वी में। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा इस पॉइंट के। इसके बाद ही इन्होंने ये किसकी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसान स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर है। अगले सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। तो ये आपका जो है, आपका ये आ सकता है आपका किस में, जीके में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ये होते हैं आपके 5 गोले। आपने देखा होगा लाल पीला ऐसा करके है, नीला। ठीक है, तो वो ओलंपिक ध्वज के गोले होते हैं, उसी का रंग पूछा है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके कौन, माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुई थी? तो ये जापान के टोक्यो में हुई थी। उसके आगे आप देखते हैं 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किससे है? तो ये है बैडमिंटन से। तो ये सारे आपके किस में आ सकते हैं, जीके में, जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि ये करंट अफेयर नहीं है, तो ये, लेकिन ये करंट अफेयर के पुराने क्वेश्चन हैं, तो पुराने क्वेश्चन से अगर उसको जीके देना होता है तो वो दे देता है। ठीक है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी थी महिला में? तो वो कर्णम महल जो है मलेश्वरी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, बैक टू द वेद्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना तो की थी, लेकिन किस सन में किया था आर्य समाज की स्थापना इन्होंने? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो ये किया था इन्होंने 1875 में। ठीक है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध झंडा गीत यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा का जो रचना है वो किसने की है? तो ये किया है श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? मिल्क फीवर बीमारी ये होता है कैल्शियम के कारण। किस में? पशुओं में। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे, ठीक है, गुर्दा जो होता है उसके। अगला क्वेश्चन है आपका, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला आपके अमर्त्य सेन को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अच्छा, सबसे पहले भारतीय में जो है आपका किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को, सबसे पहला पुरस्कार उन्हीं को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस वाद्य यंत्र के वादन में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपके शहनाई में। बिस्मिल्ला, उस्ताद बिस्मिल्ला खान शहनाई बजाते हैं। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भारत का पूछा है, तो ये भारत के सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो ये हुआ आपका रूस के सहयोग से। भिलाई किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुई थी? तो ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। राउरकेला हो गया, भिलाई इस्पात हो गया, इनकी स्थापना द्वितीय जो दूसरा पंचवर्षीय हुआ था, पंचवर्षीय योजना उसमें हुई थी। ठीक है, अच्छा, दूसरा पंचवर्षीय योजना आपका किस मॉडल पर आधारित है? महाल नोविस मॉडल पर। ठीक है, महाल नोविस पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो जो उत्तरी ध्रुव पर है भारत का अनुसंधान केंद्र, उसका नाम हिमाद्री रखा गया है, ठीक है, हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारत की महिला जो है, प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी जापान की जुनको तबाई, ठीक है, जापान की जुनको तबाई। जापान से तबाही भी आती है, उनके यहाँ से लड़कियाँ भी तबाही हो जाती हैं, नाम भी तबाही रख दिया है। पीलिया किस रंग अंग का रोग होता है? तो ये अकृत पे इफेक्ट करता है, जो आपका लीवर है, लीवर पे इफेक्ट करता है। तो पीलिया जो रोग होता है वो अकृत को इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन पास्कल के नियम से संबंधित है, सॉरी, ये कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल नियम से। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है। अच्छा, समुद्र में जो आपका सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? समुद्र के पानी में, यानी जो आपका मृत सागर हो गया, वान झील हो गया, तो इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो उनमें सबसे ज़्यादा आपका सोडियम तो पाया जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम और क्या होता है, मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा समुद्र के पानी में मिलता है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलपीजी गैस में क्या होता है? ये होता है आपका ब्यूटेन पाया जाता है। किसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, ठीक है, अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? यानी अशोक ने किसके किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था? तो ये किया था उपगुप्त के, उपगुप्त कौन था, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, सभी को पता है अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु रामदास ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके लाला हरदयाल। अब इसे मैं याद करवा सकती हूँ कैसे? अब देखिए, गदर, गदर में थोड़ा सा आपका जो है एक भौकाल वाली बात आती है कि नहीं आती है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, नहीं आप अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर, दर को आप डर समझ लीजिए, दर को आप डर समझ लीजिए, और यहाँ पे बीच में आपका क्या है, दया। डर, कोई डरता है तो आपको क्या आ जाता है, दया आ जाती है। छोटे बच्चे को लाला कहते हैं ना, लाला, लाला लाल बाबू, तो वो समझ लीजिए कि छोटा बच्चा अगर डर जाता है फिर आपको दया आ जाती है। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब की थी? तो ये किया था उन्होंने 1913 ईस्वी में, ठीक है, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? लंगर, गुरु अंगद देव। लंगर वही जो आपके जो है वहाँ पे आपके दिया जाता है खाना वगैरह जो बांटी जाती है, उसी को क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपका क्या मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंत्र गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भार जो है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था, 1956 तक। ठीक है, तो इस बात को याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री जो हैंग संग था
वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था? ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। और ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? तो ये होता है ओ। सर्वग्राही कौन होता है? तो ए बी होता है। ठीक है, ए बी सर्वग्राही होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। और सूर्य की जो प्रकाश होती है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो उसमें आपका विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य की जो प्रकाश है सुबह वाली, तभी तो कहते हैं कि सुबह टहलना अच्छा होता है। तो उसका धूप, जो सूर्य के सुबह का जो धूप होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। वो सुबह का धूप बहुत अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका मलेरिया रोग। ठीक है, मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।